सर ने बोला, कौन सर ने? चलो हम दो बच्ची भी चल रहे, हम भी हम दो बच्चे खाने दो। इधर 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 तो वहां का जा रही है, रुक जा। रुकती क्यों नहीं है? कौन से सर ने बोला? रोक रोक। तो ये वर्दी किसने पहनी है तुमको? रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कभी आपने पुलिस ही पुलिस को चोर की तरह दौड़ाए ये देखा है? नहीं तो आज देख लीजिए ये नजारा, जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। एक महिला जो पुलिस की वर्दी में है और उस महिला को पुलिसकर्मी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मामला एमपी के रतलाम शहर के बस स्टैंड का है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब ये महिला पुलिसकर्मी बिना मास्क वालों पर कार्रवाई कर रही थी और 500 रुपए की जगह बिना रसीद लिए 100 रुपए वसूली कर रही थी। कुछ लोगों को इस महिला पर शक हुआ और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस से जब इस महिला पुलिसकर्मी का सामना हुआ तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। दरअसल लोगों पर रौब झाड़ कर कार्रवाई करने वाली ये महिला पुलिसकर्मी नकली पुलिस थी। इसकी वर्दी पर जो नेम प्लेट लगा हुआ था उसमें सिर्फ नाम ही लिखा था, इसका पद नहीं लिखा हुआ था। पूछताछ में महिला ने अपना नाम निकिता खेतरा बताया है, जो मंदसौर जिले के खजुरिया की रहने वाली है। इस नकली महिला पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर न्यायालय में भी पेश किया गया है। पहले तो दो चार दिन पहले हमारे पास आई कि भाई मास्क बांधो। मैं बोली मैंने की क्या मैडम पानी भी नहीं पी सकते है क्या? पानी तो पी सकते हैं, मास्क खोल के पानी पियेंगे तो मेरे से पैसे मत लो यार मैडम, मैं दिन भर मेहनत करती हूँ। तो कह नहीं कि मैडम आपको देना पड़ेगा अम्मा पैसे, 100 रुपया दो नहीं तो मैं साहब को बुलाती हूँ फोन लगा के, तो तुम्हारे से 250 की रसीद कटेगी। तो मैंने सोचा ग्राहक लग रहे थे तो मैंने 100 रुपये निकाल के उसको दे दिया। और मैं उसको कह भी रही कि मेरे भारी पड़ जाएंगे आपको पैसे, मेरे कोई कमाने वाला नहीं है। तो के नहीं मेरे को 100 रुपये दो तो अभी हाल फोन लगा थी। मैं बहुत समझाया उसको, मैं कि ठीक है ले जा, ले गए 100 रुपया। अब वो बसों में भी चढ़ रही, लोगों से सभी से पैसे ले रही, गाँव वालों को चूतिया बना बना के मास्क क्यों नहीं लगाया, इधर उधर जूस की दुकान पर भी जा रही कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, मतलब बेवकूफ़ सभी को बना रही थी वो। इतने रोज से किसी को रसीद दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे हो, हमारे पास फोकट के नहीं है भैया, पसीना की कमाई है। सर क्या मामला है, ये किस तरह की ये महिला है और कहाँ से पकड़ा और किस ड्रेस में थी और किस कितने लोगों को इसने बेवकूफ़ बनाया है? आज ये धापू भाई पिता नंदलाल जो काजीपुरा रहती है फलफ्रूट पे, इसका बस स्टैंड पर फलफ्रूट की दुकान है, उसने बताया कि एक लड़की जो ड्रेस पहने हुए हैं 8-10 दिन से बस स्टैंड पर घूम रही है और मास्क के नाम पर 100 रुपये की इसने लिए थे, जिसको इसको शंका हुई उसने बताया। आज भी इसको क्या नाम से बस स्टैंड पर घूमना पाया गया था तो इसको वहाँ बस स्टैंड से पूछताछ के लिए पकड़ा, इसका नाम वाम पूछा तो नाम अपना इसने निकिता बताया है। इस पर डाउट होने पर इसको पूछताछ के लिए पूछा तो इसने बताया है कि ये ताल की रहने वाली है और इसकी शादी खजुरिया में हुई है। तो इसने पुलिस या शौक पूरा करने के लिए ड्रेस पहन करके ये घूम रही थी और इसी बीच इसने इससे धापू भाई से मास्क के नाम पे 100 रुपये लिए हैं और कोई रसीद वगैरह नहीं दी है। ये इसके द्वारा लोक सेवक की वर्दी पहन करके छल का प्रयोग किया गया है तो धापू भाई की रिपोर्ट पर इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। सर कितने लोगों से विवेचना है? ये करीब 8-10 दिन से बस स्टैंड पर घूमना पाया गया है, इसकी तस्दीक की जा रही है कि इसने और भी किसी लोगों से इस सब में किस टाइप से पैसे वगैरह लिए हैं या नहीं है, इसकी विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर ये जो इससे क्या क्या जब्त हुआ है अभी? अभी तो फिलहाल इसने पुलिस की जो वर्दी पहनी हुई है वो वर्दी इससे जब्त की जाएगी
और इससे जो धापू भाई से इसने जो पैसे लिए थे 100 रुपए, वो 100 रुपए जब्त किए हैं। बाकी विवेचना के संबंध में जो भी साक्ष्य आएंगे उसमें आगे आगे की जाएगी।